में या खुद में या किसी अन्य में संशय नहीं उठेगा। पर अगर संशय उठा ये क्यों ऐसे कर रहा है, वो माया नाक से कान से पकड़ लेता है। मम्मा से बहुत बहस किया, क्या बहस किया, मम्मा आखिर कभी तो ये चक्र शुरू हुआ होगा ना, कभी तो बोले करोड़ों करोड़ों साल पहले भी, पर फिर भी शुरू तो हुआ होगा ना। तो मम्मा ने कहा देखो कोई चीज अगर शुरू होती है तो अंत भी होती है, शुरू हुई माने अंत भी होगी, तो फिर कहेंगे कि कब अंत होगा, तो ना शुरू है ना अंत है। लेकिन फिर भी प्रश्न करने लगा तो मम्मा आगे कितनी बार ये चक्र चला है, चक्र रिपीट हुआ है। मम्मा ने कहा कि इसकी गिनती कैसे बताएंगे, गिनती तो है ही नहीं क्योंकि शुरू हुआ ही नहीं है। तो कहा फिर भी कुछ तो नंबर होगा। तो मम्मा ने बहुत अच्छी बात कही, समझो हम कहेंगे कि 50 बार रिपीट हुआ है, अच्छा अगले कलम में 51 बार कहेंगे क्या, क्या कहेंगे अगले कलम में, फिर कितने 51 बार हुआ ना, 50 पूरा हो गया, अभी कहेंगे 50वां नंबर है चक्र रिपीट होने का, फिर अगले कलम में अगले चक्र में 51 बार हो जाएगा, नंबर बदल जाएगा, नंबर तो बदलेगा नहीं, तो नंबर नहीं बदलेगा तो कैसे कहेंगे कितनी बार। तो जब ये भी जय हो और जो कुछ है सब एक्यूरेट है, ऐसा ही होना चाहिए था, इसी में कल्याण है, कोई भी नई बात नहीं है। ये तीन बातें ड्रामा की सदा याद रखना, एक तो चलो कोई भी नई बात नहीं है, दूसरा जो कुछ होता है उसमें कल्याण है, और इतना कल्याणकारी है ये बिल्कुल एक्यूरेट है, सही है, यही सही है। और जब यही सही है कहा तो बुद्धि को फुल स्टॉप लग जाएगा, ये क्या क्यों कैसे कौन कहाँ कब, ये सारे प्रश्नों को पूर्ण विराम लग जाएगा। कितने प्रश्न ड्रामा के बारे में उठते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं ड्रामा में कभी संशय नहीं करना, संशय नहीं करना, ड्रामा को एक तरफा मत लो, एक तरफा लेते हैं ना तब ये संशय उठता है। कई बार कहते कि मेरे साथ ऐसा क्यों, कोई बीमारी आई मेरे पास